Hi guys, Ekansh here. अभी भी आपका नीट एग्जाम हो और आप लोग काफी रिलैक्स हो रहे होंगे उसके बाद, बट अब हमें फोकस होना है, राइट? क्योंकि अगला टारगेट हमारा एम्स है. और ऐसा नहीं कि एम्स का एग्जाम बहुत हार्ड होगा, नीट का इजी सा था, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? मैंने भी मोस्टली नीट लिए पढ़ा है और एम्स लिए मैंने इन्हीं 15 दिनों में खूब मेहनत की और एम्स क्रैक किया. और आप भी कर सकते हो, मतलब एम्स एग्जाम आपको भी फोड़ना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम क्या एवरेज स्टूडेंट है, हमसे नहीं होगा, एम्स बहुत मुश्किल है, जीके आती है, सर्शन रीजन आते हैं हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है. आप भी अच्छा कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, अगर इन 15 दिन आप खूब मेहनत करो, जैसे जैसे मैं बताऊँ, अगर आप वैसे उसको फॉलो करोगे तो आप भी कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको रिलैक्स करना, राइट? ऐसा नहीं लेना कि हुआ एम्स का एग्जाम और मतलब डर गए एंड ऑल, ठीक है? रिलैक्स रहना, ठीक है? काम हो के एग्जाम देना और मजे करना, लाइक पढ़ते हुए मजे करना. ऐसे नहीं स्ट्रेस में पढ़ रहे हो कि लाइक अच्छा करने के लिए पढ़ना है और ऐसे, मतलब ऐसे नहीं. रिलैक्स होकर पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ना और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि मैं कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे से नहीं होगा, कर सकता हूँ, ठीक है? खूब फुल मेहनत करो, हार्डवर्क जरूरी है. ऐसे नहीं हार्डवर्क नहीं करना, हार्डवर्क जरूरी है और इसलिए खुद डेडिकेशन से करो तो आप भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अब पढ़े क्या, नीट खत्म हो गया, सब कुछ पढ़ लिया था, अब एम्स के लिए 15 दिन अब क्या पढ़े? तो सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे जो मेरे को लगता है वो है क्वेश्चंस. आप क्वेश्चन पेपर करो खूब, एम्स कहीं से मिल जाए, आप किसी इंस्टीट्यूट के करते हो या दूसरे किसी फ्रेंड से ले लिए या कोई बुक में मिल गए, आपके एम फॉर एम्स के बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स होते हैं, और कोई भी बुक से आपको एम्स के पेपर्स मिले तो आप क्वेश्चन पेपर्स करो और उसको 3 आवर्स में करो. लाइक एम्स के एग्जाम 3.5 आवर्स का होगा तो आप कोशिश करो मैं 3 आवर्स में कर लूँ, क्योंकि वो आधा घंटा होता है वो बफर के लिए रखो कि एग्जाम में कोई गलती हो गई, कुछ गलती कर दी तो उसको 3 आवर्स में कंपनसेट कर सको, ठीक है? क्वेश्चन पेपर्स करो. फिर सबसे इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन. एम्स के असर्शन रीजन सबको ऐसे लगता है क्योंकि नीट में तो आते नहीं असर्शन रीजन, तो हमें लगता है कि असर्शन रीजन नहीं होंगे. तो असर्शन रीजन में सब हमेशा बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनर की तरफ से सोचो. लाइक एग्जामिनर ने जब वो सेट किया होगा क्वेश्चन तो उसने क्या सोचा होगा कि मैं बच्चे में क्या टेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम क्यों किया, मेरे को बच्चे की कौन सी नॉलेज टेस्ट करनी थी, वो सोच के क्वेश्चन करो. और कभी भी ए और बी में डाउट आए तो रैशनलाइज करो कि ए होता तो क्यों होता, बी होता तो क्यों होता, ठीक है? और ट्राई करो कि एम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ट्रिक करने के लिए दिए होंगे. लाइक मेरे टाइम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे. अब इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, वो हमसे नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो. तो वो क्वेश्चन होते हैं कि आप छोड़ो उन्हें, क्योंकि अगर आप मोस्ट प्रॉब्ली रॉन्ग होगा तो ऐसे क्वेश्चन कुछ छोड़ने के लिए होते हैं, राइट? देखिए बायो के अब एम्स में क्वेश्चन कहाँ से आता है, अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कहीं से भी उठा के दे देंगे क्वेश्चन. बायो में मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना, ठीक है? लाइक जितने अच्छे से नीट लेके आप उससे और अच्छे से बायो की एनसीईआरटी एम्स के लिए करो, पक्का आपका एग्जाम अच्छा होगा. और क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन बैलेंस आते हैं, लाइक कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, 3-4 कैलकुलेटिव होंगे, 3-4 हार्ड होंगे, तो आपको सबको इंडिविजुअल टाइप देना. और केमिस्ट्री भी नीट के, ऐसा नहीं है कि एम्स का एग्जाम नीट के पेपर से बहुत अलग होगा, लेवल सिमिलर रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, और यही चीज़ होती है जो आपको एक एम्सोनियन और एक नीट के सिलेक्टेड बंदे से अलग करती है, राइट? और इनऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे 12th का पी ब्लॉक है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एम्स में अलग से काफ़ी पूछा जाता है, और 12th की ऑर्गेनिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी छोटे टॉपिक्स भी है. और एक सबसे बड़ा डाउट हमारे मन में ये रहता है कि एम्स में जीके आती है, 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे, तो ये ऐसा कुछ बर्डन नहीं है आपके लिए, ठीक है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जीके के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, जीके के लिए करंट अफेयर्स करने हैं अच्छे से, बहुत कि जो जो अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो, तो वो आपको एम्स फॉर एम्स की वेबसाइट पर बहुत अच्छे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है. लाइक आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग के भी आते हैं आजकल, तो वो आप इजिली कर लोगे, बाकी 15 क्वेश्चन मोस्टली करंट अफेयर्स होते हैं, तो एम फॉर एम्स की वेबसाइट या फिर एम फॉर एम्स की बुक या फिर कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल या फिर कोई वेबसाइट पर देख सकते हो आप, और उससे 15 में से अप्रॉक्सीमेटली 12-13 क्वेश्चन आप कर सकते हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट जीके के लिए यही है, राइट? और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो कि यार मेरे नीट में 400-450 नंबर ही है, तब भी मैं बोलता हूँ कि आप एम्स का एग्जाम क्रैक कर सकते हो. कि ऐसा नहीं है कि एम्स दिल्ली ही एम्स है, लाइक बाकी एम्स भी है, हमारे पास 7 और एम्स है और 4 और बिल्ड हो रहा है, राइट? तो आपको बाकी किसी एम्स में मिलता है तो एज प्रेस्टिजियस एज एम्स न्यू दिल्ली ही होगा, राइट? तो आप कोशिश करो कि आपको किसी ना किसी तरह एम्स में सिलेक्शन मिल जाए. प्लस पॉइंट ये है कि एम्स न्यू दिल्ली में 72 सीट से 100 सीट्स होगी, राइट? तो आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई सिलेक्शन की, तो आप खूब मेहनत करो इन 15 दिन,
लग के करो, रोज क्वेश्चन पेपर्स करो, अपनी गलतियां देखो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी गलतियां देखना। आपने कोई क्वेश्चन पेपर किया, उसमें आपने गलती की, बट गलती करके उसको इग्नोर करने से अच्छा है कि गलती करके आप देखो कि मैंने गलती क्यों की और कैसे की, तो उससे आपकी एनालिसिस हो गया और उससे आप वो गलती रिपीट नहीं करोगे, राइट। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, टाइम मैनेजमेंट। लाइक अभी 15 दिन में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। आपको कुछ ट्राई करो कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, उससे मैक्सिमम टाइम पढ़ो, क्योंकि 15 दिन ही बाकी से आपका। तो खूब पढ़ाई करो और एग्जाम में पेपर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके के लिए। कि ऐसे नहीं करना है कि फिजिक्स को मैं 2 घंटे दे दिए, बाकी 3 को 1.5 घंटे में क्या, तीनों को इक्वल टाइम देना, फिजिक्स को 1 आवर, केमिस्ट्री को 1 आवर, बायो को 1 आवर और 15 मिनट्स जीके को, और बाकी 15 मिनट्स जो बचे उसमें बाकी का कवर कर लेना। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो ज़्यादा उसको अभी के लिए स्किप कर देना, लास्ट में करना, इससे टाइम मैनेजमेंट सेव होगा। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। और ये ध्यान रखना कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपको जो जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है उसको अच्छे से फॉलो करना, वरना वहाँ जाके वो लोग प्रॉब्लम करेंगे, राइट। और सबसे फाइनली मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट, वर्क हार्ड एंड यू कैन क्रैक द एग्जाम।